आदाब नाजरीन, आई एन ई टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। बहादुरपुरे के रुकन असम्बली मोहम्मद मौजम खान ने आज जुगनू फंक्शन हॉल रमनसपुरे में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूरा 488 चेक तकसीम किए। इस मौके पर तहसीलदार बहादुरपुरा के सुशीला, नायब तहसीलदार सैयद इरशाद, कॉरपोरेटर्स मोहम्मद मुबीन, मोहम्मद सलीम, हुसैनी पाशा और दूसरे भी मौजूद थे। मौजम खान ने बताया कि जुमला 4,76,93,000 रुपये की मालियत के रकम के जुमला 488 चक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इसी के अंदर इस जुगनू फंक्शन हॉल के अंदर शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी का चेक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा गया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से इस बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर टोटल 488 चेकों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और ये 488 जो चेक्स है इसका अमाउंट 4,76,93,000 रुपीस है। और पिछले हफ्ते में 109 चेकों को बांटा गया था और उसका अमाउंट था 1,91,00,000 था। तो आज का और पिछले 8 दिन का जो प्रोग्राम हुआ है शादी मुबारक चेक का, तकरीबन 7 करोड़ रुपए के करीब शादी मुबारक चेकों का इस बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। इस प्रोग्राम में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के कॉरपोरेटर्स, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के सुदूर मोतमदीन व वर्कर्स यहाँ पर मौजूद थे और एक्स कॉरपोरेटर्स मौजूद थे। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन अवाम के दरमियान में जब जाती है, काम की बुनियाद पर जाती है, काम करती है। हमारे काम को देख कर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को अवाम चाहती है। आज उसका नतीजा देख सकते हैं। इस शादी खाने का हाल भर चुका था। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का एक एक वर्कर अवाम के दरमियान में रहकर अवाम के सहूलतों को पहुंचाने की कोशिश करता है। उसी का नतीजा है शादी मुबारक चेक जिस तरीके से इस बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा गया है एक मिसाल है। 7 करोड़ रुपये कोई मामूली रकम नहीं होती है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नुमाइंदगी मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर और तकरीबन 250 चेक बाकी है और 250 चेक का प्रोग्राम जल्द से जल्द किया जाएगा। इसके अलावा आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हर जगह नुमाइंदगी करती है, या वो वजीफ़ों का मामला होने दीजिए, या महल्ले के डेवलपमेंट का मामला होने दीजिए, या जो भी मामला होने दीजिए, या महल्ले में जो भी मसाइल होने दीजिए, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हमेशा आवाम को यही कहते हैं कि आप आवाम के दरमियान में रहिए, आवाम के साथ रहिए। आज उसी का नतीजा है कि जितने भी गवर्नमेंट के स्कीमात निकलते हैं हम आवाम के दरमियान में लेकर आकर आवाम को सहूलत पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यही मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जीत है और इसी का जीत का नतीजा देख सकते हैं कि आवाम इस बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी की बेहद खुश है। जितनी नुमाइंदगी हो रही होना चाहिए उतनी नुमाइंदगी मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन कर रही है। इसके अलावा और भी प्रोग्राम्स होते रहेंगे, आपके दरमियान में आकर आपके सामने तफसील रखूँगा मैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।